तो आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया है कैट में, और हो सकता है दोस्तों फिर से इस तरह के क्वेश्चन या फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 4 और 3 है। तो आपने क्या किया है, इसको इस तरह से फोल्ड किया है कि आपके पास अपोजिट वर्टिसेस कोइंसाइड करते हैं। मतलब इसको ऐसे अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये जो लेंथ ऑफ क्रीज बनेगी ना दोस्तों, इसको हम EF नाम दे देते हैं। इसकी दोस्तों लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल लीजिए और पेपर लीजिए, एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको। सो आई हैव दिस पीस ऑफ पेपर, यू नो वी हैव, इफ आई वॉन्ट टू फोल्ड इट लाइक कि आपके दो अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं या वर्टिसेज हैं वो कंसाइड करें, तो सिचुएशन विल बी लाइक दैट। आई बिलीव दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा। तो आई हैव फोल्डेड एंड आई गॉट दिस राइट। सो मैं यदि इसको मार्क करता हूँ, सो दिस इज द सिचुएशन जहाँ पे हमने इसका हक किया है। तो ये दोस्तों आपके पास क्रीज आ गई, लाइक यू कैन सी। तो अब दोस्तों इस क्रीज की हमको लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको फोल्ड करना आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों क्रीज निकालनी आनी चाहिए। अब दोस्तों यदि मैं इसके डायगनल भी मिला देता हूँ, राइट, यू कैन सी, इफ आई इस वाले अपोजिट के डायगनल को खींचता हूँ, तो इफ आई ट्राई टू जस्ट ड्रॉ द डायगनल बाय द होल्डिंग, आई विल बी हैविंग द सिचुएशन राइट। सो यू कैन सी दोस्तों, अगर मैं इसके डायगनल को खींचता हूँ तो ये जो लाइन है कुछ इस तरह से जाएगी, राइट, यू कैन सी दिस लाइन विल बी लाइक दैट। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा और ये दोस्तों मिड पॉइंट पे लाई करेगा। हाँ, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। अब दोस्तों बस यही कंसेप्ट है इसमें कि यदि मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, सो दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री एंड लेट द क्रीज लेंथ बी एक्स, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो एक्स एंड दिस डायगनल वुड बी 5, राइट, भाई 3, 4, 5 के हिसाब से ये डायगनल 5 हो जाएगा। तो 5 का मतलब ये दोस्तों 5/2, 5/2, क्योंकि मिड पॉइंट पे दोस्तों इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पर। अब दोस्तों यदि ये एंगल थीटा है, हाँ, इस वाले ट्राइंगल में, तो अगर मैं आपके पास सिमिलरिटी लगाने का कोशिश करता हूँ, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री डी ओ ई, और एक दोस्तों ये ट्राइंगल है आपके पास डी सी बी, ये एंगल दोस्तों थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिमिलरिटी दोस्तों हमको लगानी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरिटी के हिसाब से दोस्तों ये एक्स है, ये 5/2 है, ये दोस्तों 5 है, ये दोस्तों 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो थीटा के सामने दोस्तों इधर एक्स है, इधर दोस्तों थीटा के सामने 3 है, इधर दोस्तों 90 के सामने लेट इट बी बी, यहाँ दोस्तों 90 के सामने 5 है, एंड यहाँ दोस्तों ये जो एंगल अल्फ़ा बचा हुआ है, यहाँ दोस्तों अल्फ़ा के सामने 5/2 है, एंड यहाँ दोस्तों अल्फ़ा के सामने 4 है, ठीक है, (1/4). तो आई कैन सी अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आई कैन गेट द वैल्यू, दैट इज़ एक्स वुड बी इक्वल्स टू 8x वुड बी इक्वल्स टू 15, सो एक्स वुड बी इक्वल्स टू 15/8। बट आपको दोस्तों लेंथ ऑफ क्रीज में 2x निकालना है, तो 2x वुड बी 15/8 × 2, सो 15/4 वुड बी द राइट आंसर। सो आई कैन से एक्स वुड बी इक्वल्स टू 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 = 12, और यहाँ पे 3 बचेगा, 4 × 7 = 4, 5 =, सो दिस क्रीज लेंथ इफ आई काउंट इट लाइक डी, तो दिस वुड बी 3.75। सो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ या इसको नीचे कर देता हूँ। बट एक चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, आई विल टेल यू हाउ टू हैक इट एक्चुअली, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको ये क्रीज लेंथ निकालनी है तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये कैसे आ गया 3 × 5, तो ये दोस्तों आपके पास आ गया, दैट इज़ स्मॉलर साइड जिसको हम ब्रेड्थ लेते हैं, एंड ये दोस्तों डायगनल है, इसकी डी की जगह हम इस पर काम करते हैं पी ले लेते हैं, हाँ पी, बिकॉज बी एंड डी अपॉन दोस्तों एल, तो बी दोस्तों यहाँ पे ब्रेड्थ है, डी यहाँ पे डायगोनल है, एंड एल दोस्तों यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। और इसको दोस्तों यदि हमको ये हाफ की वैल्यू आएगी, राइट, दोस्तों यदि दोस्तों ये हाफ की वैल्यू आएगी तो आई कैन से पी वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ से बताओ जरा भाई, 3 × 5, एंड लेंथ कितनी थी दोस्तों आपके पास, दैट इज 4,
सो 15/4। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हाफ की वैल्यू आ रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3.75 डायरेक्ट। सो यही दोस्तों इस सवाल का हैक है कि यदि आपको क्रीज की लेंथ निकालनी है तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, स्मॉलर साइड इनटू डायगोनल डिवाइडेड बाय द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। सो होपफुली दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए आप सिलेक्शन क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन जहाँ पे दोस्तों मैथ्स अच्छे लेवल का पूछा जाता है, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड फॉलो करें दोस्तों फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय।